हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करुणा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपना नया वीडियो। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी बेबी गर्ल का मेकअप करें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन लिया है बालों का और पीछे के बालों को मैं नॉट कर दूंगी। और अब मैंने फ्रंट सेक्शन में से ही एक और सेक्शन लिया है। अब इन सेक्शन को अच्छे से कॉम करके इसका पफ बनाएंगे। मैंने यहाँ कोई स्प्रे यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है बच्चों के बालों पे स्प्रे यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही आप स्प्रे यूज़ करें, अदरवाइज़ अगर बिना उसके काम चल सकता है तो आप ना ही करें। तो बहुत हल्की बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ मैं छोटे छोटे सेक्शन लेके। और अब इसका एक हम यहाँ छोटा पफ बनाएंगे। और मैंने इसे बॉब पिन से लॉक कर दिया है। और अब मैंने क्राउन एरिया पे से करीबन 1 इंच का सेक्शन लिया है और इसको ट्विस्ट करके जहाँ आपने पफ की पिंस लगाई हैं वहाँ पे इसको बॉब पिन से लॉक कर दीजिए। और इसी तरह से हम लोग और सेक्शन लेंगे, लगभग 6 या 7 सेक्शन आप ले सकते हैं। हाँ, बट सारे सेक्शन सेम होने चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं हो, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। और इन सबको सेंटर में जाके आप लॉक कर दीजिए। थोड़े से मैंने ईयर के ऊपर बाल छोड़े हैं, उनको हम बाद में कर्ल करेंगे। और ये सारे सेक्शन मैंने यहाँ पिन कर दिए हैं। ये हेयर स्टाइल बालों का बहुत अच्छा लगता है गर्ल्स के ऊपर, किसी भी पार्टी में आप इसे कर सकते हैं। मैंने नीचे से बाल खुले रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ एक छोटा सा बन बना सकते हैं, फंकी बन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रेस। और एसेसरीज के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, आप इसे चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और ये इसकी लुक है। अब मैंने बेबी का फेस वॉश किया है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी टॉप टू टो वॉश से। और अब मैंने ये हिमालय का बेबी क्रीम लगाया है और इसके ऊपर मैंने प्राइमर लगाया है स्मैश बॉक्स का, ताकि बच्चों की स्किन पे कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो। और ये मैंने फाउंडेशन लगाया है लॉरियल ट्रू मैच का और ये लाइट बेज शेड है। आप फिंगर डॉट करके ही फाउंडेशन लगाइएगा, कई लोग हाथ में लेके मॉइस्चराइज़र की तरह फाउंडेशन लगाते हैं, उससे क्या होता है कि पैची लुक आ जाता है। तो द बेस्ट वे, आप थोड़ा डॉट लगाइए फेस पे और फिर उसको ब्लेंड कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा फिनिश आता है। और ये मैंने मैक का ही कॉम्पैक्ट लिया है पाउडर फाउंडेशन है ये, और इसको भी डैप फॉर्म में ही आपको लगाना होता है। और अब मैं मैक के पैलेट से ले रही हूँ लाइट पिंक शेड। आप चाहें तो ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी शेड लगा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि पिंक शेड ऐसा है जो सभी ड्रेसेस के ऊपर आराम से सूट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पिंक शेड लिया है। और ये गर्ल्स के ऊपर बहुत अच्छा भी लगता है। और ये मैंने ब्रो बोन के नीचे सिल्वर हाइलाइटर लगाया है एंड ये फेसेस का स्टैकेबल है, इसका मैं ये सैटिन पाउडर ले रही हूँ और ये हल्की ग्लिटरी फिनिश में है। और इसको रिंग फिंगर से आपको डैप करना है। और मैंने थोड़ा सा ब्रो बोन के नीचे भी लगाया है जो दूर से जब शाइन करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसे आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और मैंने ये लाइनर लगाया है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है बच्चों का जितना मेकअप नेचुरल हो वो अच्छा लगता है, बहुत हैवी मेकअप बच्चों के ऊपर नहीं लगता है अच्छा, तो आप थोड़ा पतला ही रखिएगा। और मैंने हल्का सा विंग दिया है लाइनर में एंड पिंक ब्लशर, ये एवॉन का है।
आप चाहें तो लाइट पीच शेड भी लगा सकते हैं। मैंने कोई कॉन्टोरिंग फेस पे नहीं की है क्योंकि बच्चों के फेस पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले ही इतने क्यूट होते हैं। और ये मैंने मैंने एसेंस का मस्कारा लगाया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है क्योंकि बेबी की लैशेस पहले ही बहुत अच्छी हैवी हैं। और ये मैंने पिंक कलर की लिप लाइनर लगाई है यहाँ पे। तो ये जो हमारा थीम है बाबी थीम है, तो पिंक मेकअप मैंने इसीलिए किया है। आप चाहें तो पीच शेड में या जो आपको अच्छा लगे, बट थोड़ा लाइट ही रखिएगा। और ये पिंक लिपस्टिक है, और ये लिपस्टिक भी एवॉन की है, सिंपली प्रेटी। और थोड़ा सा मैंने हाइलाइटर यहाँ लगाया है, अगेन सिल्वर पिंक शेड है, मिक्स है ये। और ये फाइनल लुक है मेरा बाबी डॉल का, शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस। और थोड़ा सा मैं आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, ओनली आप देखिए मैं सिर्फ हेयर्स के ऊपर कर रही हूँ ताकि बहुत नेचुरल लुक लगे। और ये फाइनल लुक है, तो आप इसे किसी भी पार्टी में आराम से अपने बेबी को कर सकते हैं और बेबी बहुत क्यूट लगेगी आपकी। तो अगर आपको मेरा ये मेकअप अच्छा लगे और वीडियो देखना चाहें, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।